इंदौर के खजराना में मुहर्रम के ताजिए निकलने वालों के खिलाफ हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपियों के परिजन काफी परेशान थे। खासकर जमानत न मिल पाने की वजह से असंतोष भी पनप रहा था। वहीं कल सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने प्रभारी मंत्री को संज्ञान में लेकर जिलाधीश व पुलिस के आला अधिकारियों से मामले की गंभीरता देखते हुए जमानत देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद प्रशासन ने गंभीरता पूर्वक विचार किया व 151 के आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली गई। मंजूर बेग ने प्रभारी मंत्री सहित प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि मीडिया ने अपील को प्रमुखता दी, जिसकी वजह से यह संभव हो पाया। वहीं जनता से भी निवेदन किया कि प्रशासन को किए वादे एवं गाइडलाइन का अनुपालन पूर्णतः किया जाए। इंदौर के खजराना में ताजिया के जुलूस के बाद में लगातार गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां हुई, जमानत नहीं हो रही थी। आपने एक कल अपील जारी करी, अनुरोध किया और उसके बाद में प्रशासन जागा और उन्होंने एक्शन लिया, अब क्या कहना चाहिए इस बारे में? सब में पहले आपको ये बात कहूँ कि मैं इंदौर जिला प्रशासन के साथ साथ प्रभारी मंत्री जी तुलसी सिलावट जी का और जिलाधीश मनीष सिंह जी का आभारी हूँ और जिला प्रशासन सभी वरिष्ठ अधिकारी SDM ADM सबका आभारी हूँ कि इन्होंने विचार किया, क्योंकि आज कोई व्यक्ति 10-12 दिन 15 दिन से बंद है, उसका परिवार बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। परिवार में कोई बीमार हो रहा था, कोई परेशान था, कोई घर में खाना नहीं खा रहा था, तो बहुत ज़्यादा परिवार टेंशन में चल रहे थे। आज जो हमारी मांग सोशल मीडिया से हमने की थी और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मांग स्वीकार करी, इसके लिए सभी अधिकारी, सभी जिला प्रशासन के अधिकारी और प्रभारी मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जनता की, आम जनता की जो समस्या था, उस समस्या को उन्होंने तुरंत हल किया। ऐसा मेरे को उम्मीद है कि अभी कुछ ही देर बाद सारे ही लोग उसमें रिहा हो जाएंगे। ये मेरे को मालूम पड़ा है कि जमानत सभी की मंजूर कर ली है और सभी लोग आज अपने घर खजराने के जो 181 और 151 के मुलजिम थे, जिन्हें बनाया गया था, ये सभी लोग आज घर पहुँचेंगे और निश्चित उनके घर परिवार में खुशी की लहर आज पूरे इलाके में रहेगी। और मैं अनुरोध जनता से भी करूँगा, कभी भी अपन कोई प्रशासन से वादा करें उसको खरा उतरना चाहिए, प्रशासन को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो इसके साथ रासुका हुई है, हम उसकी भी मांग करेंगे तो उस पर भी पूरा विचार होगा, वो लोग भी जल्दी रिहा होंगे।